Okay, guys, welcome back once again. And as we have promised you that we'll have Ali Abbas all the way from Pakistan, and he will be talking to us about his music career, what he is doing in future and all that. So, yes, he is live and exclusive all the way from Pakistan with us. तो उन्हें अपने प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदीद. और अगर आप भी उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, 01484817705. योर टेक्स्ट मैसेजेस, द नंबर इज डेड सिंपल, 07444202155. अस्सलाम वालेकुम अली भाई. वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ फॉर यूके. मेरा सलाम सारे यूके को सलाम हो. वालेकुम अस्सलाम अली भाई, ये बताइए माशाल्लाह से, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. नहीं नहीं, यू वेलकम. आप सबका बहुत शुक्रिया जो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने सिंगिंग करियर का आगाज किया, आपने इंडिया में रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया, वहां से आपने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, उसके बाद आपने इंडिया में कॉन्सर्ट्स किए, यूके में किए, दीगर मुल्क के जितने भी ममालिक हैं वहां पे कॉन्सर्ट्स किए. सबसे ज्यादा आपको किस मुल्क में कॉन्सर्ट करके अच्छा लगा, किस मुल्क में परफॉर्म करके अच्छा लगा? और ये भी बताइएगा कि जब आपने इंडिया में रियलिटी शो में शिरकत की थी तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वैसे यकीन माने मुझे हमेशा उस जगह अच्छा लगता है जहाँ लिसनर अच्छे हो. तो इसमें कोई कोई वो सीमा नहीं है, या इसमें ये कोई वो स्पेसिफिक एक एरा नहीं है. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑडियंस जो मुझे प्यार करने वाले हैं वो हमेशा ही अच्छे मिले हैं, और हर जगह अच्छे ही मिले हैं. और रहा इंडिया का वो एक्सपीरियंस, इट वॉज लाइक कह लें कि वो मेरा फर्स्ट टाइम मेरा एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मतलब था एक परफॉर्मेंस. और वो बहुत ही मेरे लिए, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि वो मेरे लिए एक सीखने का बहुत बहुत बड़ा अमल था. वहाँ एक बहुत बड़ा मुझे वहाँ सीखने का बहुत मौका मिला. इंडिया में हम कोई 22 कंटेस्टेंट थे उस शो में, और मुख्तलिफ जॉनर्स के सॉन्ग्स, मुख्तलिफ अपने टाइप के गाने गाते थे उसमें. तो बहुत ही मजा आया उस एक्सपीरियंस का, और स्पेशली मुझे इंडिया ने बहुत प्यार दिया. आई एम ग्रेटफुल पूरे मेरे जितने इंडियन फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं हमेशा उनका बहुत मशकूर हूँ. थैंक यू. अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि आपकी घुट्टी में म्यूजिक है, आपने बचपन से म्यूजिक सीखा है, एक ऐसे फैमिली से आना जहाँ पे म्यूजिक बचपन से सिखाया जाता है, म्यूजिक के इसके बावजूद आजकल के दौर में म्यूजिक को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने अपनी, आप जैसे लोग जो होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड होता है उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बेहतर करना होता है उनके खानदान के नाम की वजह से. तो कितना मुश्किल रहा आपका अपने खानदान के जो मौसीकी है उसके नाम को मजीद बेहतर बनाना? वैसे सही बताऊं, मेरे साथ असल में मुझे लगता है मेरे घर वालों की दुआएं हैं, और स्पेशली कुछ फैंस की दुआएं हैं, और जिस वजह से वो मेरी मंजिलें अल्हम्दुलिल्लाह आसान होती गई. बाकी हर यू नो, एक चीज आप एक लेगेसी को एक अपनी लेके चलते हैं, अपने काम को आगे लेके चलते हैं, तो वो थोड़ा सा आप पे बर्डन भी होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें बड़ी स्मूथली हमारे जो बड़ों ने हमें बहुत ही जो एक कुछ एक रास्ते दिए हैं वो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े हमें कारामद साबित होते हैं हमेशा ही. वो बड़े उसमें हम अगर चलते हैं तो हमें उसी चीज का फायदा भी होता है. क्या बात है. अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारे पास कुछ सवालात भी आ रहे हैं. साजिद और रहमान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपको वेलकम कह रहे हैं. इसके अलावा समीना महमूद आपको कह रही हैं कि बहुत ही खूबसूरत, अल्लाह ताला ने आपको आवाज से नवाजा है, तो वो भी आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं कि आपने हमें वक्त दिया. थैंक यू, सबका बहुत शुक्रिया, आपका स्पेशली शुक्रिया. अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका गाना जो आपने सारा रजा के साथ गाया था, आपको भूल जाएं हम, और बहुत प्यारी सी लोकेशन है, एक हवेली में बैठ के आप लोग वो गाना गा रहे हैं, तो बताइएगा कि वो गाना कैसा लगा, और हमारे यकीनन सुनने वाले वो गाना आपसे लाइव भी सुनना चाहेंगे, तो अगर कुछ अता कर दें हमें प्लीज. मैं बिल्कुल इस गाने की थोड़ा सा इसका मैं थोड़ा बताना चाहूंगा. ये प्रोग्राम जो मैंने इंडिया में वो रियलिटी शो किया था वो एक्चुअली वो शो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो देखा नहीं गया, बिकॉज वो न्यू चैनल था, एनडीटीवी
इंडिया के एक बहुत बड़ा न्यूज का चैनल है, और वो जो उसका इंटरटेनमेंट का उन्होंने एनडीटीवी न्यूज वो बहुत फर्स्टली लॉन्च किया था अपना इंटरटेन, उस पे वो बड़ा प्रोग्राम जो हमारा रियलिटी शो हमारा जो था, तो वो पाकिस्तान में बहुत कम कम जगहों पे वो आता था। हुआ ये है कि वो जब मैं वापस पाकिस्तान आया हूँ तो ग्लोबली तो काफी वो प्रोग्राम देखा गया, लेकिन जब पाकिस्तान आया हूँ तो कोई इस तरह का मुझे वो रिस्पांस नजर नहीं आया लोगों में। जो इंटरनेट के हवाले से लोग थे उन्हें वो थोड़ा जानते थे मुझे। फिर हुआ ये है कि ये प्रोग्राम मैं साहिर अली बग्गा भाई के स्टूडियो, मेरी मेरी जर्नी काफी उनके साथ गुजरी है, मेरा सफर उनके साथ काफी रहा है, मेरे इज लाइक माई टीचर, मेरे उस्ताद भी हैं। तो उस स्टूडियो में मुझे मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब मिले, तो ऐसे उनसे रेंडमली मेरी मुलाकात, फिर बग्गा भाई ने तारुफ करवाया कि ये इंडिया में गा के आए हैं। तो कुछ 2-3-4 दिनों के बाद मेरे एक दोस्त जो मेरे म्यूचुअल फ्रेंड थे मियाँ साहब के, भी हमारी मुलाकात उनसे मेरी फिर से हो गई। तो मियाँ साहब को उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप अली को सुने, तो फिर मैं हवेली में एक बार उनसे मुलाकात हुई, सारा भी थी, तो हमने वो सारा ने भी कुछ सुनाया, मैंने भी सुनाया। तो देन उन्होंने कहा कि हम एक शो कर रहे हैं वेरी सून, तो फिर हमें कुछ पुराने गाने दिए गए जिसमें ये आपको भूल जाए भी था, और ये कुछ वो 8-10 गाने थे। तो फाइनली फिर वो गाना जब ये पीटीवी पे फर्स्ट टाइम ऑन एयर हुआ, यकीन माने कि लोगों की एक तो रिस्पांस पाकिस्तान में उस टाइम मुझे बहुत मिला, और प्लस ये हुआ कि वो लोग जब मुझे ढूंढने गए अपना यूट्यूब पे, तो वहां पे फिर मैं मुझे इंडिया वाला भी उन्होंने शो मेरा देखा, बिल्कुल इस वजह से वो ये शो मेरे लिए बहुत एक लकी रहा। तो बेशक मैं जरूर आप लोगों को पेश करता हूँ वो थोड़ा सा जी, प्लीज सारा सारा नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो जी जरूर भाई। आपको भूल जाए हम, अरे वाह, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, वाह वाह, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, एक तेरे दर्द के सिवा एक तेरे दर्द के सिवा हमको तो कुछ मिला, अरे मिला वाह, नहीं, आपको भूल जाए हम। अरे वाह वाह थैंक यू। अली भाई, क्या बात है, आपने तो मुझे मेस्मराइज कर दिया, और मैं यकीन मानिए कि वाकई खो गया हूँ। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, अक्सा जी भी आपको कह रही हैं, उन्होंने भी यही सी गाने की फरमाइश की थी, आपको भूल जाएं, तो बहुत शुक्रिया। अब्दुल शकूर, फिदी बाबा, थैंक अमर है यहाँ पे, खान साहब फ्रॉम ब्रैडफर्ड हैं, वो आपको पसंद कर रहे हैं और वो भी आपका गाना सुन रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप गज़ल भी गाते हैं, आपके मैंने कुछ पंजाबी गाने भी सुने हैं, कोई भंगड़ा नंबर करने का इरादा है, कोई भंगड़ा लेके आ रहे हैं आप हमारे यूके के फैंस के लिए, क्योंकि आपको पता है यूके में भंगड़ा बहुत हिट है। जी जी बिल्कुल। भंगड़ा तो मतलब वो हमारी स्वीट डिश है तो वो बिल्कुल मेरे कुछ कुछ लाइनअप है, कुछ चीजें वेरी सून मैं इंशाल्लाह लॉन्च करने वाला हूँ, विद इन कह लें कि विद इन वेरी सून इंशाल्लाह। तो वो बिल्कुल अपने जो मेरे सुनने वालों के लिए वो बड़ा, असल में मेरा जो टेस्ट होता है ना वो है भंगड़ा ही है, बट वो
उसका जो जो लिरिक्स है वो बड़े मजे के हैं इंशाल्लाह, वो बहुत मजे के होंगे इंशाल्लाह, लोगों को पसंद आने वाले हैं। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड टू नो दैट। और यहाँ पे हमारे पास शकील साहब का सवाल आ गया, वो कह रहे हैं कि आपके वालदैन भी मौसीकी से वो ऑब्वियसली मौसीकी घराने से हैं, तो पूछ रहे हैं कोई ऐसा वाकया बचपन में जहाँ पे आपको मार पड़ी हो मौसीकी में कुछ सीखते हुए, कुछ आपने वो अगर कोई ऐसी स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। बिल्कुल, असल में मैं बताना ये चाहूंगा, जो मेरे निहाल में है गाना, वो उसमें मेरे नाना भी बहुत बड़े मतलब एक कह लें कि फोक सिंगर हुए हैं, उनके बहुत मशहूर जो गाने हैं बहुत लोगों ने कॉपी भी की है, राजे मजियां चराइयां डोली लैके ने खेड़े, ये ओरिजिनली उन्हीं का है, बहुता प्यार ना करी नहीं तो रुल रुल जावे का। जाएगा, वाह वाह। तो ये बेसिकली वो फैसलाबाद एरा से, फैसलाबाद से थे, तो एक फोक हमारा, ये जो मेरे नाना अब्बू और मेरे नाना के एक भाई थे वो इकट्ठे गाते थे, मोहम्मद सादिक मोहम्मद इकबाल, बहुत लोगों को उनका स्पेशली इंडिया में बड़े फैन फॉलोइंग है उनकी माशाल्लाह से। तो फिर मैंने ट्रेनिंग जो मेरी वो मेरे मामू से हुई है, मैं अपने मामू का बाकायदा शागिर्द हुआ था हसन सादिक साहब का, सही। वो बेसिकली वो रिलीजियस नोहा खानी करते हैं, तो भाई उन्हें जरा बताएं कि ये प्रोसेस, ये रोने धोने वाला ही होता है हमारा, बहुत मारे भी पड़ते हैं और बहुत हमें वो जो होती है ना वो सीना जाता है हमें, वो बहुत एक प्रोसेस जो है ना वो बड़ा वो यही कह पेनफुल रहे है, हैं बट अली भाई, वो यही अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे हैं कि अगर आप कोई स्टोरी ऐसी, कोई ऐसा वाकया जो आपके जहन में हो जो शेयर करना चाहें आप। असल में ना हमें हमारे जो बड़े हैं ना वो मारते तो नहीं थे, बट उन्होंने वो मतलब देखते ही इस तरह से थे कि वो हमारा रोना निकल जाता था। तो ये मेरे साथ असल में मेरी मेरी जो अपना बताऊंगा, मैं जरा घर में ना अपनी फैमिली में मुझे इतना सुरीला नहीं समझते, ठीक है, तो ये बाकी जो मेरे सारे कजन हैं या मेरे भाई छोटा भाई असद अब्बास है, तो स्पेशली इन लोगों को लोग ज्यादा समझा जाता है कि ये ज्यादा मतलब कि इनमें टैलेंट है, खुदादा ही सलाहियत है। अरे वाह, तो मैं शुरू से बड़ा एक थोड़ा सा एक एक डरपोक सा, और मैं ज्यादा गाता भी नहीं था लेकिन मैं डरता बहुत था, तो आपकी आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी लग रही है कि धीमे लहजे वाले हैं आप, बहुत ही मतलब आगे से जवाब ना देने वाले हैं। बस इस तरह का ही मेरा हाल था। तो बाकी मेरा मेरा यही ख्याल है कि मैंने उनकी जो इज्जत और वो ऑनर है वो मैं बहुत अपने बड़ों की दिल से करता हूँ अभी भी, और मेरा ख्याल है मैंने उनकी खिदमत, मैं उस तरह का स्टूडेंट भी नहीं रहा कि मैं इतना अच्छा साबित हुआ, बट मैंने उनकी खिदमत बहुत की है, तो मुझे लगता है कि ये वही दुआएं हैं उनका, वही एक चल रहा है इस निजाम। अली भाई, यहाँ पे राशिद महमूद कल्याल साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। अक्सा ने एक और फरमाइश की, अगर आप पूरी कर सकें। वो कहते हैं कि कहती हैं कि यहाँ पे आजकल आपको पता है शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, टप्पे बहुत हिट हैं, और वो कहती हैं कि आप जैसे हाँ टप्पे कोई गा नहीं सकता, तो अगर कुछ टप्पे अता करना चाहें आप। मैं जरूर सुना देता हूँ, नचता कुकड़ बने रहते, चिट्टा कुकड़ बने रहते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, अरे वाह, दो कारा बजाराया झिणक ना देनी सोनी अखा करण दीदाराया। वाह और इससे वाह, अच्छा मेरे पास नहीं है, वो वाह है वाह, कि कोई कतनी अरुमाया, एक सोना तो लगना है दूजा फेर भी ओ तू माय, माया। वाह 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 वाह। थैंक अली भाई, ये बताइएगा कि यू। माशाल्लाह आपने गजल भी गाई, पंजाबी गाने भी गाए, अभी कोई इरादा है ओएसटी करने का? आई एम नॉट टू श्योर कि अगर आपने कोई ओएसटी कर रखा है। मैंने बिल्कुल मैं पिछले लास्ट काफी टाइम से मैं काफी ओएसटी गा चुका हूँ पाकिस्तानी ड्रामास के, इंडिया में नादान परिंदे एक प्ले था वो, उसके लिए भी मैं कर चुका हूँ, रिचा शर्मा के साथ मेरा वाह वो जो था ओएसटी,
माशाल्लाह काफी काफी पाकिस्तान में तो काफी की है मैंने OSTs। तो मैं ये मेरा सवाल यही था कि आपको कौन सा जो मीडियम है वो अच्छा लगता है, गजल का, पंजाबी का, ओएसटी, फिल्मी बैकग्राउंड, किस किस्म के जो गाना है आपको अच्छा लगता है, या अपनी एल्बम का, या डुएट, किस किस्म का गाना आपको जाती तौर पे आपके दिल के बहुत करीब है? वैसे मेरी कोशिश तो होती है, मैं किसी एक हाल में मैंने आपको बांधा नहीं हुआ, मैं कोशिश करता हूँ हर मतलब एक मतलब सब तरफ खेलूं, लेकिन मेरी जो पर्सनली वो है वो एक सूफियाना जो मेरा स्टाइल है ना वो मुझे बहुत पसंद है खुद में। जी हाँ, सही। अच्छा, सूफियाना गाने और सूफियाना टच जो होते हैं गानों में। वाह, जी, उसामा साहब का यहाँ पे सवाल है, वो कहते हैं कि आप अपने गाने खुद भी लिखते हैं, कुछ ऐसा शेरो शायरी भी करते हैं, लिरिक्स खुद करते हैं? जी जी बिल्कुल, ये आइडियाज मेरे ही होते हैं। मतलब एक जो एक पंच लाइन होती है या एक आप स्केच बना के देते हैं वो मेरा ही होता है, फिर एक टीम है जो लिखते हैं, फिर कोई कंपोज करता है, कुछ मैं खुद भी करता हूँ कंपोजिशन भी, तो ये एक एक टीम वर्क ही होता है। सही। राहिल भाई आपको दुबई में सुन रहे हैं, वो उनका सवाल है, वो कह रहे हैं कि नया कोई एल्बम जिस पे आप काम कर रहे हो, या नया कोई ऐसा गीत जिस पे आप काम कर रहे हो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल के एंड तक या अगले साल के शुरू बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप जो मुझे फॉलो करते हैं मेरे फैन पेज आलियाबास म्यूजिक पे, जो फेसबुक का मेरा फैन पेज है, एंड जो फॉलो करते हैं मुझे यूट्यूब पे वो भी हमारा ऑफिशियली आलियाबास का जो है, वहाँ लोगों को थोड़ा आइडिया भी होता है। हम आजकल सोशल मीडिया एक्टिविटीज में रहते हैं हर बंदा ही, तो हम भी जो लाइव कहीं कॉन्सर्ट होते हैं या कहीं रिकॉर्डिंग होती है, कोई नेशनल डे के हवाले से कुछ चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें हम अपलोड करते हैं वहाँ। वहाँ काफी चीजें हैं, नई भी मैंने लास्ट कुछ ट्रिब्यूट दिए हैं मेहदी साहब को, और कुछ उनकी पुरानी गजलें हैं जो बहुत रेयर सी थी, उनको मैंने दोबारा से रीडब किया है, वो भी मेरे उस पेजेस पे मौजूद है। अभी जो नई चीजें हैं वो मैं कुछ फोक की कर रहा हूँ, फोक वेरिएशंस में, उसमें ये जो भांगड़ा है ये वो भी है, उसमें दो तीन और बड़े अच्छे एक माँ के हवाले से सॉन्ग है, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज है उसमें। अच्छा, मसूद साहब का यहाँ पे सवाल है, वो कहते हैं कि क्योंकि वो आपको फॉलो करते हैं, वो कहते हैं, और मैंने भी ऑब्वियसली जब मैंने भी आप पे रिसर्च किया था तो मुझे भी पता चला कि आपके जो फेवरेट आर्टिस्ट हैं या आप जिनको अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं वो मेहदी हसन खान साहब हैं, तो उनकी कोई ऐसी गजल जो आपको आप हमें सुनाना चाहें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेहदी साहब से मैं मेरा जो इश्क था है ना वो कह लें मैं 10 ईयर्स के 10 ईयर का था जब से मैं उनको मुझे उनके लफ्जों की समझ नहीं थी तब तक तब भी, लेकिन मैं उनका फैन था। मैं सुनाता हूँ मैं कुछ जी जी प्लीज। उनकी, रंजिशे सही दिल भी दुखाने के लिए रंजिशे सही वाह, आप मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे वाह सही, वाह, जैसे तुम्हें आते हैं नाने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए रंजिश अरे वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। अली भाई, हाजी रशीद साहब का यहाँ पे मैसेज आया, वो कहते हैं कि प्लीज़, आप कह रहे हैं कि आरफाना कलाम भी आपको गाना बहुत पसंद है, तो प्लीज़ अगर कुछ आरफाना कलाम भी आता हो जाए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं इसलिए चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फरमाइशें आपसे करके पूरी करवा दूँ मैं। मैं जरूर जरूर
मैं सुनाता हूँ आपको, ये कह है एक मेरे गाया ही हुआ है, मैंने वो बिरसा में ये परफॉर्म किया था। प्लर जी इरशाद। या तेरे वेखनों चुक चरखा गली विच वाह डावा, वाह, वे लोका पाने बड़ा कत दे, तंद तेरिया यादा दे पावा, वे माया तेरे वेखनों चुक चरखा गली दे विच डावा, वे लोका पाने बड़ा कत दी, तंद तेरिया यादा दे पावा, वे माया तेरे वेखनों क्या बात है। बाबुल दी सो चित नहीं लगदा, बाबुल दी सो चित नहीं लगदा, अज मेरा दिल करदा कर छड़ के मलंग बन जावा, वे माया तेरे वाह वाह, वेखनों चुक चरखा गली विच डावा। अरे क्या बात है, क्या बात, थैंक क्या बात है। अली भाई, यू। डॉक्टर फैसल राणा साहब भी कह रहे हैं कि आपकी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, अल्लाह ताला आपको यूं ही तरक्कियां देते रहें। थैंक यू। और जनाब, हमारे पास कुछ सवालात भी हैं, कुछ लोगों ने आपके लिए मैसेजेस भिजवाए हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं सभी लोगों के नाम शायद शामिल ना कर पाऊँ, लेकिन मैं सिर्फ नाम बताता जाता हूँ आपको। आमिर कयानी साहब हैं, जरार मीर साहब थे, जमील साहब थे, तनवीर चौधरी साहब थे, इसके अलावा निसार मुगल, नईम भट्टी साहब थे, इसके अलावा जनाब जाहिद मलिक थे हमारे साथ, सगीर अहमद अवान साहब थे, इसके अलावा मोहम्मद इकबाल थे, इसके अलावा सैयद अमीर थे, चौधरी जाहिद लतीफ़ थे, आरिफ महमूद कुरैशी साहब थे, रिजवान सेठी साहब थे, अहमद ज़िया साहब थे, रियाज गोंदल और असद खोकर, सभी ने आपके लिए नेक तमन्नाओं के पैसे मैसेजेस भेजे हैं और उन्हें आपकी आवाज़ बेहद पसंद आई है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया एंड लव यू ऑल, आपका बहुत शुक्रिया एंड आपका बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, थैंक यू। अच्छा अली भाई, जाने से पहले प्लीज़ हमारे सुनने वालों को बता दें कि आप यूके में दोबारा कब आने वाले हैं, क्योंकि हमारे फैंस को, आपके फैंस को, हमारे सुनने वालों को और आपके फैंस को इसका शिद्दत से इंतज़ार है कि आप यूके में कब वापस आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह, मेरी बिल्कुल लास्ट एक मीटिंग हुई है, इंशाल्लाह वेरी सून हमारी कुछ फाइनली हम कुछ उस पे कर रहे हैं, वेरी सून इंशाल्लाह। मेरी मेरी तो मतलब कह ले विश है मैं अभी आ जाऊँ, लेकिन कुछ टर्म्स कंडीशंस कुछ कुछ है हमारी, वो इंशाल्लाह जैसे कुछ फाइनलाइज होंगी इंशाल्लाह हम जल्दी आपको आपके दरमियान होंगे। और जाने से पहले प्लीज़ अपनी सोशल मीडिया के हवाले से हमारे सुनने वालों को बता दें ताकि वो आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें। आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, कैसे आपसे लोग रابطہ कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। हमारा मेरा फेसबुक, मैंने जैसे पहले बताया, अली अब्बास म्यूजिक है जो हमारा ऑफिशियली पेज है, उसको वो वेरीफाइड पेज है, आप जब सर्च करेंगे तो वो ब्लू टिक वाला आपको पेज जो होगा वो हमारा ही है, तो उस पे हमारे कॉन्टेक्ट भी हैं। एंड जो इंस्टा पे भी बिल्कुल अली अब्बास ऑफिशियल जो हमारा इंस्टा पे भी है, एंड जो यूट्यूब पे वो भी अली अब्बास हमारा जो यूट्यूब चैनल भी, वो भी आपको ऑफिशियली जो हमारा मिल जाएगा आपको, तो बाकी आप जिधर चाहेंगे हम मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। और नसीम साहिबा, आपसे इंशाल्लाह। आखिरी गाना सुनेंगे हम, वक्त तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि थोड़ा सा ऐसे कोई फायदा उठा लिया जाए आपका। नसीम साहिबा कहती हूँ कि उनकी बेटी की अभी अभी शादी हुई है और आपने एक गाना बाबुल साडा चूड़ियां दा चंबा गा रखा है, तो वो कहती हैं कि अगर आप, उनकी बेटी का नाम सायमा है, तो वो कहती हैं कि अगर आप नसीम साहिबा सायमा के लिए ये गाना डेडिकेट करना चाहती हैं, अगर प्लीज आप सुना दें जाने से पहले। जी, मैं जरूर मैं पेश करता हूँ।
वे साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबलावे साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला असा उड जाना असा उड जाना साडा चिड़ियां दा चंबा अरे वाह, वे बाबला असा उड जाना असा उड जाना साडा चिड़ियां दा चंबा जिथे खेड़े गुटियां पटोड़े से कर बिच डोले कर दिया कुंजिया सांभले मां असा उड जाना असा उड जाना वाह वाह, साडा चिड़िया दा चंबा। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू वेरी मच वक्त देने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमारी तरफ से, हमारे लिसनर्स की वेलकम तरफ से आप सब, आपको बहुत बहुत नेक तमन्नाएं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम यूं ही रोशन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। और ये हमारे साथ मौजूद थे अली अब्बास, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ ब्रेक का, उसकी तरफ चलते हैं। Over a period of over 10 years and six major tournaments with England, and to be the record goal scorer. And in rugby union, England have